రాష్ట్రంలో బీజేపీ గెలిస్తే బీసీ సీఎం అవుతారన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. శ్రీశైలం నిర్వాసితులను కేసీఆర్ ఆదుకోలేదన్నారు. గుండమల్ల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ కు ఓటేస్తే ఎమ్మెల్యేలు కేసీఆర్ కు అమ్ముడుపోతారని ఆరోపించారు. కొల్లాపూర్లో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో అమిత్ షా మాట్లాడారు. కేసీఆర్నే శ్రీశైలం బంద్ కే విస్థాపితో కే లియే కుచ్ నహీ కియా. మే కేకర్ జాతా హూ भाजपा की सरकार बनाइए, श्रीशैलम परियोजना के विस्थापितों का मुआवजा और रोजगारी दोनों भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी. मित्रों, केसीआर ने यहां के मैंगो फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंगो फार्मर्स के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर कोल्हापुर की मैंगो यूरोप के बाजार में जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे. मित्रों, केसीआर सरकार ने वाल्मीकि बोया और मदासी कुरवा जातियों के लिए कुछ नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा और इसके साथ साथ वाल्मीकि बोया और मगासी कुरबा जातियों को न्याय देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी. मित्रों, हमने ये भी तय किया है कि आने वाले दिनों में जो 2400 करोड़ से सोमशिला सिद्धेश्वरम पुल का निर्माण जो करने वाले हैं, वो समयबद्ध टाइम बाउंड उसको पूरा करने का टाइम काम करेंगे. मित्रों, हमने ये भी तय किया है कि एससी रिजर्वेशन में माड़ीगा समाज को वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज की सालों पुरानी न्याय को हम समाप्त करेंगे. भाई और बहनों, पूरे तेलंगाना में बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं. कोल्हापुर के युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं. केसीआर को कोल्हापुर के युवाओं की चिंता नहीं है, एक ही यूथ की चिंता है, केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने की. मित्रों, केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे. और मित्रों, हमने तय किया है 2,50,000 यूथ को ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी. मित्रों, तेलंगाना का चुनावी इतिहास है. तेलंगाना की जनता ने जब जब भी कांग्रेस को वोट दिया, उनके एमएलए बीआरएस में चले गए. कांग्रेस का आज का एमएलए का अभ्यर्थी कल का बीआरएस का एमएलए है. और भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देने का मतलब है केसीआर की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. आपका एक वोट कांग्रेस को और बीआरएस को, इसका मतलब करप्शन को वोट, माइनॉरिटी एपीसमेंट को वोट और परिवारवाद को वोट. मित्रों, मोदी जी ने अभी अभी चंद्रयान लॉन्च किया जो चंद्रमा पर तिरंगा लेकर पहुंचा. एक कांग्रेस पार्टी एक ही यान लॉन्च करना चाहती है, राहुल गांधी का यान बार बार लॉन्च करना चाहती है. पिछले 20 वर्ष में 20 बार राहुल यान लॉन्च किया, 20 की 20 बार राहुल यान क्रैश कर गया. मित्रों, बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार वाली सरकार. इन्होंने
मिशन भागीरथी घोटाला किया, इन्होंने मिशन भागीरथी घोटाला किया, पासपोर्ट स्कैम किया, मियापुर भूमि घोटाला 4000 करोड़ का किया, आउटर रिंग रोड घोटाला 1500 करोड़ का किया, कालेश्वरम परियोजना में 1 लाख करोड़ का घोटाला किया और